ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि मीन राशि वालों का आखिरी जो 10 दिन है मई का वो कैसा रहेगा। 2017 की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब 22 मई से लेकर 31 मई तक। तो सबसे पहले हम आर्थिक फ्रंट पे, फाइनेंशियल फ्रंट पे बात करेंगे। आर्थिक उन्नति के लिए आप नए मार्गों का चयन करेंगे, नए रास्ते तलाश करेंगे। धंधे में जोखिम लेने की आवश्यकता को जानकर आप सही समय पर कदम उठाते हुए कमाई के रास्ते खोलेंगे। किसी भी प्रभावशाली आदमी या उच्च पदस्थ व्यक्ति की मदद आपको नया साहस देगा। रिटेल कामों और नौकरी में अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश पर ब्रेक लग जाने की स्थिति बन सकती है। अब हम बात करेंगे आपके व्यवसाय और कैरियर की। प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए यह सप्ताह बहुत ही स्लो स्पीड में जाएगा। सौंदर्य प्रसाधन, ज्वेलरी, सजावट, एजुकेशन, सेल्स और मार्केटिंग के कार्यों के लिए सप्ताह के पूर्वार्ध में, मतलब टुवर्ड्स आफ्टर 26 के बाद आप प्रगति करेंगे। किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वर्क प्लेस पर नौकरी कर रहे लोग अपने वाणी पर संयम रखें, अननेसेसरी किसी के पचड़े में हाथ मत डालें और अपने दुश्मनों के बीच से रास्ता बनाते हुए आपको आगे बढ़ना है। आपको कोई भी शख्स परास्त नहीं कर सकेगा। आपकी ज़रा सी असावधानी या गलती आपके फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी गलती कहलाएगी। तो बिल्कुल सोच समझ के सप्ताह के उत्तरार्ध में 25 के बाद ऐसी कोई हरकत कीजिए। अब मीन राशि, हम आपके स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे कि यह सप्ताह बिल्कुल ठीक ठाक आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर 25 और 26 तारीख को आप सचेत रहिएगा, चोट लगने का खतरा है। शुरू में आप ब्यूटी ट्रीटमेंट, स्पा और अन्य थेरेपी द्वारा तरोताजगी प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे, पर आगे जाने पर इसका असर धीरे धीरे घटने लगेगा। दांत, जीभ, गले, कंधे और छाती के भाग के स्नायु में तकलीफ उठ सकती है। रक्त और गर्मी से संबंधी रोगों में आप चौकन्ने रहिए, क्योंकि गर्मी का मौसम है। अब हम प्रेम संबंध की बात करेंगे, लव रिलेशनशिप की बात करेंगे। तो यह समय बहुत अच्छा है जो लोग प्यार कर रहे हैं। अगर आप किसी व्यक्ति की ओर आकर्षित हैं तो अपने दिल की बात उसके समक्ष रखने में ज़रा भी विलंब मत कीजिए। डेटिंग पर जाने के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। जिनके विवाह की बात कहीं चल रही है तो यह सौभाग्यशाली समय है। आप उत्तम दाम्पत्य सुख का लाभ ले सकते हैं। जीवन साथी के साथ कुछ समय एकांतवास करने के और प्रवास करने के मौके अगर मिले तो बिल्कुल गवाइएगा मत। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।